आपने आज तक तमाम अद्भुत नजारे और अद्भुत कारनामे देखे होंगे, मगर जो आज हम आपको कारनामा दिखाएंगे उसे देखकर आपके पैरों से जमीन जरूर खिसक जाएगी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा आप सोचने लगेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये चमत्कार केवल भारत में ही मुमकिन है। शायद इन्हीं लोगों के कारनामों की वजह से देश अक्सर फेहरिस्त में ऊपर ही दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो अद्भुत और अकल्पनीय है। तो आपको बता दें कि ये जो शख्स आपको पीपी किट में दिखाई दे रहा है, ये कोई डॉक्टर नहीं है जनाब, ये है पुलिस वाला। और दो, ये व्यक्ति जो साथ में चल रहे हैं, ये कोई बाजार में नहीं घूम रहे हैं या टहलने नहीं निकले हैं, ये है मुलजिम। आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले कितने अच्छे हैं, बचाव के लिए पीपी किट पहनकर घूम रहे हैं, मगर आपको बता दें कि ये बचाव इनके खुद के लिए है, सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि जो मुलजिम है उनमें से एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। मगर दोनों को ही एक ही हथकड़ी में बांध डाला इन पुलिस वालों ने, और बिना एम्बुलेंस के इनको रोड पर घूमते हुए लेकर जा रहे हैं अदालत में। जैसे कि इन महाशय ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार किया हो और पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट कर दिखाना चाह रहे हो, और सड़क पर कुछ इस अंदाज से इनको लेकर जा रहे हैं जैसे कि इनके लिए अदालत में रेड कार्पेट बिछाया गया हो। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है, मगर इस वीडियो को अपने क्षेत्र का होने से सभी पुलिस वाले इनकार कर रहे हैं। और इस वीडियो की जब पड़ताल न्यूज नशा ने की तो पता चला कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोरोना संक्रमित अपराधी को कुछ पुलिसकर्मी पैदल ही जेल तक ले जा रहे थे उस वक्त रिकॉर्ड हुआ है। कोरोना संक्रमण होने की स्थिति में उनकी पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए और वहां पर उनका इलाज कराया जाए, लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। मामला जबलपुर जीआरपी थाने से सामने आया, जहां पुलिस ने दो वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया। जेल ले जाने से पहले उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें से एक अपराधी कोविड पॉजिटिव निकला। गाइडलाइन के अनुसार उन्हें तत्काल एम्बुलेंस का इंतजाम करके मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, लेकिन ये पुलिस वाले जो कि अपनी पूरी ड्यूटी किए बिना रह नहीं सकते, कानून का पालन भी तो करना है, लेकिन कोविड की नई गाइडलाइंस इन्हें कोई कैसे समझाए। जबलपुर से सामने आए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो पुलिसकर्मी पीपी किट पहनकर कोविड पॉजिटिव अपराधी को हथकड़ी लगाकर पैदल लेकर आ रहे हैं। अब इसमें भी लापरवाही ये है कि दूसरे असंक्रमित मरीज को भी संक्रमित मरीज के साथ ही ले जाया जा रहा है। कौन सा वाला पॉजिटिव है? सीआरपी पुलिस जबलपुर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।